फ्रेंड्स, आज हम नौ बिंदुओं की सहायता से शिव का चित्र बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शिव का चित्र बनाने में। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम नौ बिंदुओं से शिव का चित्र बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करिए। पहले आपको नौ बिंदु बनाने हैं और याद रखना है कि बिंदुओं बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इनका स्पेस एकदम बराबर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। पहले आपको भी पेंसिल से ही बनाना है क्योंकि स्केच से आपसे गलत हो सकता है, इसलिए चलिए इस तरह से राउंड करना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ से हल्का हल्का राउंड यहाँ से लिख कर चलना है और डॉट्स को मिलाना है। अब यहाँ से सेंटर से जाएंगे और हाफ कर्व बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर एक और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसको इस तरह से इसको राउंड बना देंगे। अब देखना है आपको ये इस लाइन से जो हमने बनाई थी, इससे एक और राउंड लेते हुए हम नीचे आ जाएंगे और इधर से भी एक राउंड लेते हुए हम नीचे आ जाएंगे। इसे थोड़ा सावधानी से करना है। उनके बाद शिव जी की लटाएँ बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से बाहर को निकालते हुए हम उनके शिव जी की उनके बाल बना देंगे इस तरह से। अब ये देखिए, आगे देखिए, अब ये देखिए यहाँ से इस बिंदी से नीचे से 1 2 3 इस तरह की 3 लाइंस बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से जैसे सी बनाते इस तरह से राउंड कर देंगे अंदर। और आगे हम क्या करेंगे, अब हम इनका आगे का फेस बनाएंगे। अब ये जो डॉट दिख रही है इस डॉट से अंदर ले जाना है आपको और बड़ी सावधानी से ये काम करना है आपने। इस तरह से ले जाना है और बस इस सेंटर तक लेके आना है और उसके बाद फिर इधर से ले जाना है और इस सेंटर से इस तरह से ले जाना है। इस तरह से आपको इसकी शेप देनी है नीचे से फेस की। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी आईज बनानी, इस तरह से राउंड राउंड करते आएंगे, फिर नीचे से भी एक हाफ कर्व बनाएंगे आप इस तरह से, और फिर इसमें इस तरह से छोटे छोटे इनके लैशेस बनाएंगे, आई लैशेस, ये देखिए। इसके बाद इनकी नोज़ बनाएंगे, सेंटर पे जाएंगे बिल्कुल और इस तरह से, इस तरह से दो लाइन बनाते हैं, इनको अंदर लेते हुए और ये इस वाले से निशान से ऊपर डॉट से इस तरह से ले जाएंगे लिप्स के लिए, और ये हमारी लिप्स बन गए, ये देखिए। अब क्या करेंगे गाइस, अब चलेंगे हम वापस से नीचे आ जाएंगे और इससे थोड़ा साइड हटकर हम इस तरह से इनकी नेक बना देंगे इस तरह से बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसी कोने से एक सर्कल लेते हुए बड़ी सावधानी के साथ करना है ये आपको, और बिल्कुल इसे ऊपर ले जाना है और ऊपर बना के इस तरह से, और फिर इसी के साइड में से इसी जगह से आपको एक और सर्कल बनाना है जिसके साथ साथ चलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इनकी चटाओं को पूरा कर देंगे। ये लीजिए, और अब क्या करेंगे हम यहाँ से लेते हुए ये कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। अब हम ऊपर आ जाएंगे और आने के बाद
यहाँ पर देखिए इस सेंटर, बिल्कुल इसके सेंटर जाएंगे, इसके ऊपर जाकर इस तरह से, और इस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाकर इस तरह से इसको मूव करेंगे। और इसके बाद हम चाहेंगे बनाएंगे इस तरह से, इनकी गंगा की धारा बना देंगे। यहाँ पर एक वी बनाएंगे और इनका डमरू बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए हमारा चित्र बनके तैयार हो जाता है। हम चंद्रमा बनाएंगे तो बड़ी आसानी से। आपको ये चित्र पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।